शहर की यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित केशव नगर में स्थित एक प्राचीन मंदिर को हटाने के लिए नगर विकास प्रणेश के तहसीलदार द्वारा दिए गए नोटिस के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और इसको लेकर वे जिला कलेक्ट्री पहुंचे और उक्त कार्यवाही को रोकने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए प्रणेश तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही को रोकने की मांग की। स्थानीय भाजपा नेता महेश भावसर ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 100 साल पुराने पूजा स्थल को हटाने को लेकर एक नोटिस प्रणेश तहसीलदार द्वारा दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मंदिर के पास किसी व्यक्ति ने मकान खरीदा है, जिसने प्रणेश में शिकायत करते हुए उक्त पूजा स्थल को हटाते हुए वहां से सड़क निकालने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने तहसीलदार पर उक्त व्यक्ति द्वारा सांठगांठ कर इस पूजा स्थल को हटवाने के आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ ले देकर ही इस तरह मंदिर के पुजारी को नोटिस थमाया है, वरना कोई भी सनातन धर्म का व्यक्ति इस तरह से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर सकता। दशकों पुराने इस मंदिर को क्षेत्र से हटाने की सूचना जब शहर के हिंदू संगठनों को मिली तो वे भी मौके पर पहुंचे और प्रणेश तहसीलदार द्वारा दिए गए नोटिस का जोरदार विरोध किया। इन लोगों के मुताबिक यह प्रणेश तहसीलदार के पास भी पहुंचे, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर तब सभी जिला कलेक्ट्री पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए प्रणेश द्वारा दिए गए नोटिस का विरोध किया। आज हम केशव नगर यूनिवर्सिटी रोड पर एक पुराना प्राचीन मंदिर है देवरा करके, उसके विषय पर इकट्ठा होकर यहाँ मिलने आए कलेक्ट्री में। यूआईटी तहसीलदार द्वारा उस पूजा स्थल को हटाने हेतु 22 तारीख को एक नोटिस दिया गया कि भाई कि यह 100 साल पुराना मंदिर है, अगली किसी पार्टी ने उनको शिकायत की कि यह मकान, उसने किसी ने नया मकान खरीदा, उसने शिकायत की कि यहाँ तो रोड निकलनी चाहिए। तो यूआईटी तहसीलदार ने हमारे पूजा जी राजू भाई है इनको नोटिस दिया कि भाई आप द्वारा यह अतिक्रमण हटा ले हुए, अन्यथा आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है तहसीलदार साहब ने उनसे क्या कोई ले देकर ऐसी सोच रही होगी, नहीं तो कोई सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसे काम करता नहीं है कि किसी मंदिर को हटाने गए या मंदिर में उन्होंने ना तो मौके पर आए, ना उनके कोई अधिकारी मौके पर आए और आकर सीधे ही बोल दिया कि इसको तुरंत प्रभाव से आप इसको हटाओ, न अन्यथा आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का केस दर्ज किया जाएगा। तो इससे सारे मोहल्ले वासियों में और आसपास के पब्लिक में और जिनका देवरा उन सब में आक्रोश है। इसी आक्रोश को व्यक्त करने तो हम पहले यूआईटी गए, लेकिन यूआईटी मिले नहीं वो, तो आज हमने आकर यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने दिया है। और अगर ये ऐसा कार्य करते हैं तो आगे भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कानून कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह से मंदिर या देवरे हटाने का काम यूआईटी तहसीलदार का नहीं है, बिल्कुल गलत है। मोहन सिंह राठौर, ललित जी लोहार व जो साथीगण टीम है हिंदू संगठनों की, उसके पदाधिकारी को केशव नगर की तरफ से कॉल आया कि हमारे इस तरह से यूआईटी तहसीलदार का नोटिस है, 100 वर्ष पुराना प्राचीन स्थल है जिसपे कोई बड़े अधिकारियों से परिचित लेडी है, उसने मकान अभी जस्ट खरीदा है, तीसरी पार्टी है वो, और जिन्होंने ये ज़मीन बेची थी उनके एक स्पष्ट है कि भाई ये मंदिर का बेचान नहीं किया जा रहा है, 100 साल पहले की लिखा पड़ी है। तो वो तहसीलदार साहब से माध्यम से कि भाई उनको नोटिस दिया गया पुजारी जी और क्षेत्र के आसपास के लोगों को कि मंदिर आप हटा लें, नहीं तो अन्यथा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो हम भी धार्मिक संगठन के लोग हैं, हमको कॉल आया, हम लोग गए, अधिकारी महोदय से भी बात की, वो तो थे नहीं कलेक्टर से यूआईटी में कोई, और यहाँ अतिरिक्त जिला कलेक्टर मैडम से बात हुई है। तो उदयपुर शहर अभी तो शांत हुआ है और कुछ अधिकारियों का दिमाग घूम गया है, तो वापस माहौल खराब करना चाहते हैं उदयपुर का। मेरे को यूँ लगता है कि इनके झूठ वाली वो स्थिति नहीं आ जाए, तो हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं और हिंदू धर्म में समझते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं समझा के अपनी वाली बात यही है कि आप उदयपुर शहर शांत है, नगर निगम ने भी जो चीज़ ओके किया है, नगर निगम का क्षेत्र है, तो बिना वजह अपन उदयपुर शहर का माहौल ख़राब नहीं करें और धार्मिक स्थल 100 वर्ष पुराना है, इसका ध्यान रखें। ये कह रहा हूँ कि 100 साल पुराना देवरा है ये, और हम खेत हमारे खेत है और खेत में हमने 30 साल पहले खेत बेच दिया था, लेकिन मंदिर और इसमें स्टाम्प लिखा हुआ मेरे पास, उसमें 100 साल की, यानी कि पूरे मोहल्ले वाले सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसको आपत्ति नहीं है। ये लेडीज की तीसरी पार्टी, इसने मकान खरीदा है और जब से ये आई है 5 साल से परेशान, पूरा मोहल्ला परेशान है। और ये कहती है कि यहाँ खिड़की, उसने आगे खिड़की खोल रखी, पीछे खिड़की खोल दी और देवरे के ऊपर ये कचरा फेंकती है, गंदगी डालती है ऊपर से ये, और कहती है कि मैं यूआईटी मेरे मिलने वाले हैं तो मैं आपका देवरा हटा के रहूँगा यहाँ से। एडीएम साहब से मिले, मैडम से क्या बोला? मैडम ने आगे बात की, तहसीलदार से बात की है,
वो आगे कार्य करें।